नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं जितेंद्र चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। पुलिस ढूंढती रही गोहद में और मंत्री लाल सिंह आर बैठे रहे मंत्रालय में। सूखे का संकट, 18 जिलों में से 11 जिलों को दी सरकार ने 462 करोड़ की राहत। भाजपा का फोकस अब महिला वोटरों पर, 15% से ज्यादा बढ़ाएगी वोटर। भोपाल होगा भिखारी मुक्त, महापौर आलोक शर्मा ने किया ऐलान, भिखारी मुक्त भोपाल बनाने के लिए चलाएंगे मुहिम। निजी स्कूलों के लिए नया फीस कानून, इसमें गरीबों की फीस की कीमत वसूली जाएगी आपसे। विस्तार से, राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ पुलिस ने माखनलाल जाटव हत्याकांड में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट 7वीं बार जारी किया गया है। इसके तहत पुलिस मंत्री को ढूंढ रही है, लेकिन मंत्री जो है वो मंत्रालय में पहुंचे, वो सीएम के चैम्बर में भी पहुंचे। चंद मिनट उन्होंने सीएम के चैम्बर में बिताए, इसके बाद वो अपने चैम्बर में भी पहुंचे। कुछ देर वो अपने चैम्बर में रुके, इसके बाद उन्होंने चंद अफसरों से भी मुलाकात की। चंद अफसरों ने उनको उनके प्रकरण में कानूनी पेचीदगियों और कानूनी रास्तों के बारे में बताया। इसके बाद मंत्री मंत्रालय से रवाना हो गए, लेकिन पुलिस अभी भी उनको खोज रही है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में सूखे का संकट छाया हुआ है। सरकार ने 18 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनके लिए मदद के तौर पर सरकार ने 462 करोड़ रुपए की राहत राशि आज जारी करने के आदेश दे दिए हैं। इसके तहत 18 में से 11 जिलों को फिलहाल राहत दी गई है। इन 11 जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत के काम शुरू किए जाए। बीते दिनों पानी के संकट के कारण इन जिलों में बेहद खराब हालात हो गए थे। इन जिलों में सूखे के कारण किसानों की फसलें चौपट होने की स्थिति बनी हुई है। इनमें से 11 जिलों को अभी राहत मिल जाएगी। इन जिलों में शामिल है छतरपुर, भिंड, सीधी, ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, श्योपुर, अशोकनगर, मुरैना और शिवपुरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन इसकी तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। भाजपा ने अब महिला वोटरों को अपने फोकस पर लिया है। भाजपा महिला वोटरों की संख्या में इजाफा करने के मकसद के साथ मैदान में जुट गई है। भाजपा ने शुक्रवार को यानी कि 8 दिसंबर को भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई है। इसमें सभी महिला विधायक, महिला सांसद और महिला कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसमें भाजपा का टारगेट होगा कि 15% तक महिला वोटरों में इजाफा किया जाए। इसके लिए पूरी प्लानिंग की जाएगी और एक रणनीति बनाकर महिला वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा मैदान में उतरेगी। भाजपा इसमें सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बताएगी और यह बताएगी कि पिछले 14 साल में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या बड़े कदम उठाए हैं। इसमें लाडली लक्ष्मी से लेकर बेटी बचाओ और महिलाओं को लेकर रेप के मामले में फांसी का कानून बनाने तक के बड़े कदमों का जिक्र किया जाएगा। भाजपा की कोशिश होगी कि हर किचन, हर घर में हर महिला भाजपा से जुड़े और वह विधानसभा चुनाव 2018 में जीत की पताका महिलाओं के सहारे लहराए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अब भिखारी मुक्त बनाया जाएगा। इसका ऐलान महापौर आलोक शर्मा ने किया है। आज महापौर शर्मा ने कहा कि हम भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। यह अभियान कई चरणों में चलेगा। इसके तहत सबसे पहले शहर की प्रमुख सड़कों पर दिखने वाले भिखारियों को हटाया जाएगा।
इन भिखारियों के लिए पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाएगी। आप देखते होंगे कि भोपाल में बोर्ड ऑफिस सहित अनेक प्रमुख चौराहों पर भिखारी लोगों से पैसे मांगते नजर आते हैं। इन भिखारियों के पीछे रैकेट होने की आशंकाएं भी जताई जाती रही है। भिखारी मुक्त भोपाल की इस मुहिम में इस आशंका का भी हल किया जाएगा। इसके तहत यदि कहीं पर कोई अवैध गतिविधि भिखारियों को लेकर पाई जाती है तो उसमें पुलिस की कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल को भिखारी मुक्त बनाकर एक मॉडल सिटी के रूप में पेश किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले उज्जैन को भिखारी मुक्त बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन धार्मिक नगरी होने के कारण, महाकाल की नगरी होने के कारण अभी भी भिखारी वहां पर सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर अब भोपाल को भिखारी मुक्त सिटी के रूप में एक मॉडल की तरह पेश करने की तैयारी है। इसके लिए जल्द ही सरकार बड़े कदम उठाएगी। निजी स्कूलों के लिए आया नया फीस कानून नई समस्याएं भी लाया है। गरीबों को मुफ्त दी जाने वाली शिक्षा की कीमत अब इसके तहत आपसे वसूली जाएगी। दरअसल सरकार ने इस कानून में जो प्रावधान किए हैं उसके तहत आरटीई के तहत मुफ्त दी जाने वाली शिक्षा को भी फीस वृद्धि के घटक में शामिल कर लिया है। इसके तहत सरकार की जिला और राज्य स्तरीय कमेटियां जब फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी तो उसमें मुफ्त शिक्षा के खर्च को भी शामिल करेगी। निजी स्कूल इस खर्च को अपने आवेदन के साथ बता सकेंगे कि उन्होंने मुफ्त शिक्षा के तहत इतना खर्च किया है और उस खर्च को सरकार फीस वृद्धि के रूप में प्रतिपूर्ति कर सके। आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति के तहत अभी भी एक राशि इस तहत दी जाती है। इसमें आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति की राशि देने का प्रावधान है। इस प्रतिपूर्ति के अलावा अब फीस वृद्धि के प्रस्ताव में भी इसको आधार बनाया जा सकेगा। इससे गरीबों को मुफ्त दी जाने वाली शिक्षा का बोझ दूसरे अभिभावकों पर भी पड़ेगा। इसमें अभी तक प्रतिपूर्ति को लेकर विवाद गहराते रहे हैं। निजी स्कूलों का कहना रहा है कि प्रतिपूर्ति कम है, इस कारण अब इसके अवसर बढ़ जाएंगे कि वो सरकार से प्रतिपूर्ति लेने के साथ फीस वृद्धि के आवेदन में भी इसको शामिल करें और अपनी फीस बढ़ाने का दावा प्रस्तुत करें। केरल में उठे ओखी तूफान का असर लगातार तीसरे दिन भोपाल और मध्य प्रदेश पर देखने में आ रहा है। तेज हवाओं के कारण दिन का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा गिरा हुआ है और इसका असर यह है कि धुंध और बादल छाए हुए हैं। इसके कारण शहर की दिन की पूरी एक्टिविटी ठप भी हो रही है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। तेज हवाओं के कारण दिन का तापमान 28.5 डिग्री से 26.0 पर आ गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएस तोमर के अनुसार आगामी 24 घंटों में जिले के अधिकांश हिस्सों में बादल बरस सकते हैं और ठंड के बढ़ने की भी संभावना बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। नाबालिग और महिलाओं से बलात्कार को लेकर नए कानून के आने के बावजूद छेड़छाड़ और महिला अपराध का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक्सीलेंस स्कूल के एनसीसी शिक्षक ने 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की। रिपोर्ट दर्ज कराने और बयान के लिए पीड़िता को करना पड़ा 3 घंटे से ज्यादा का इंतजार। पुलिस कोतवाली TI शौर्य दिवस के जुलूस में थे, इस कारण पीड़िता को इंतजार करना पड़ा। भोपाल में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बावजूद भी इस तरह की घटना हुई है। नाबालिग 11वीं की छात्रा है और उसे बयान देने के लिए पुलिस में काफी समय इंतजार करना पड़ा। वह अपने परिजनों और सहेलियों के साथ FIR दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंची थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। गरीबों को आवास में फिर नया गड़बड़ झाला सामने आया है। इसमें पहले तो रजिस्ट्री करा ली गई और बाद में उसे कृषि भूमि बनाकर रिजेक्ट कर दिया गया। मामला सीहोर शहर का है। सीहोर के वार्ड क्रमांक 3 में PM आवास प्राप्त करने के लिए नागरिकों ने नियम के मुताबिक हजारों लाखों रुपए खर्च करके भूमि की रजिस्ट्री कराई। बाद में अधिकारियों ने उसी भूमि को कृषि उपयोगी बताकर योजना के लिए नागरिकों को अपात्र कर दिया गया।
वार्ड पार्षद कांता गुलाब मालवी ने कलेक्टर तरुण पिथौड़े को इसकी शिकायत करते हुए बताया कि कई सालों से वार्ड में मकान बनाकर अनेक गरीब परिवार निवास कर रहे हैं। सर्वे भी हो चुका है लेकिन किसी भी नागरिक का नाम सूची में नहीं आया है। फसल बीमा योजना कागजों पर भले ही वरदान साबित हो रही हो लेकिन मैदान में इसका धोखा किसानों को परेशान कर रहा है। किसान बीमा राशि के लिए परेशान हो रहे हैं और बैंक और बीमा के फेर में किसान चक्कर काटने को मजबूर हैं। ताजा मामला ग्राम पंचायत खारपा रामखेड़ी का है। इसमें किसानों ने आरोप लगाया है कि 2016 में किसानों के खाते में बीमा का प्रीमियम काटा गया। इसकी एंट्री भी ओरिएंटल बैंक की पासबुक में दर्ज है। फसल खराब होने पर जब बीमा राशि लेने के लिए किसान बैंक गए तो बीमा नहीं जारी किया गया। किसान शेर सिंह पिता किसान सिंह के खाते से 7,000, प्रभुलाल पिता खुशीलाल के खाते से 1,212 और बाबूलाल पिता गोपाल सिंह के खाते से 1,420 रुपए का प्रीमियम काटा गया लेकिन इनमें से किसी को भी बीमा की राशि नहीं दी गई है। इन किसानों ने कलेक्टर को शिकायत की है। मध्याह्न भोजन योजना में एक बार फिर अफसरों की लापरवाही सामने आई है। बच्चों को खुद भोजन की थाली लेकर भोजन करना पड़ रहा है और बाद में उनसे वह थाली भी साफ कराई जा रही है। सीहोर जिले में मध्याह्न भोजन योजना का यह सच सामने आया है। पत्रिका की टीम जब शासकीय प्राथमिक स्कूल मुरली पहुंची तो नजारा देखकर चौंक गई। दोपहर में जब भोजन आया तो बच्चे खुद ही इसे परोसने लगे। कई बच्चे लाइन से बैठ गए तो कई बच्चे थाली में सब्जी रोटी लेकर परोसने लगे। सब्जी जो थी उसमें पानी ही पानी था। लौकी कुछ नजर आ रही थी बाकी कोई सब्जी में पदार्थ नजर नहीं आ रहा था। जब प्रबंधन से इसके बारे में पूछा गया तो प्रबंधन ने किनारा कर लिया। विहिप और बजरंग दल ने निकाली विशाल बाइक रैली। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 25 साल होने पर यह रैली निकाली गई। इसमें भगवा पताका लेकर बाइक पर कार्यकर्ता निकले। श्री राम के जयघोष के साथ इन लोगों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मौके को एक बड़ी घटना बताया। लंबे इंतजार के बाद 2:45 बजे सांची रोड से राणा रामलीला चौराहे पर यह बाइक रैली पहुंची। यहां से बाइक रैली को देखते हुए कलेक्टर और एसपी भी शहर का राउंड लेने निकले। बाइक रैली पर भगवा पताका लहराती रही और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। कलेक्टर और एसपी शहर का राउंड लेने जब निकले तो लगभग 2:45 बजे सांची रोड से रामलीला चौराहे पर पहुंचे। यहां से पैदल रामलीला परिसर के सामने बने राधा कृष्ण मंदिर होते हुए वहां मत्था टेक कर बाहर आए। चौराहे पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान किया। इस दौरान पूरा प्रशासन इस बाइक रैली को देखता रहा। आरएके कॉलेज के प्रोफेसर की पत्नी और बेटे को कमरे में बंद कर चोर लाखों का माल ले उड़े। बीती रात चोरों ने आरके कॉलेज के प्रोफेसर अशोक राव टिकले के घर पर धावा बोला था। इस धावे में चोर करीब 25 तोले के सोने के गहने और नकद माल लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना के समय प्रोफेसर टिकले घर पर नहीं थे। बताया जाता है कि चोरों ने बड़ी सफाई से खिड़की पर लगी लोहे की जाली को तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश किया। जिस वक्त चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे उस वक्त घर में मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। चोरों ने बड़ी सफाई से अलमारी का दरवाजा तोड़ा, उसमें रखे 25 तोले के सोने के जेवरों पर हाथ साफ किया और इसके बाद फरार हो गए। परिजन घर में सोते ही रहे। बदमाशों ने इस दौरान एहतियात के तौर पर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। अंदर कमरे में प्रोफेसर की पत्नी माला टिकले और बेटा वैभव टिकले सो रहे थे। दोनों सोते ही रह गए और पुलिस इस मामले में अब चोरों को पकड़ने के लिए जांच कर रही है। माला टिकले और वैभव ने पुलिस को बताया कि चोर घर के बाहर से जाली तोड़कर घुसे थे। रात 3 बजे यह बदमाश घर में घुसे। बदमाश हथियारों से लैस थे। अंदर घुसे तब पता लगा चार खड़े हो गए हमारे पास। कहाँ से? अंदर हमारे बिस्तर के पास खड़े हो गए तब पता लगा। आप कहाँ थी? हम सोए थे। अच्छा, कितना चला गया आपका सामान? 25 तोले गया। 25 तोला? हाँ, सोना। सोना और कैश नहीं थी? कैश नहीं था।
फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। धन्यवाद।